आइए दोस्तों, आज देखते हैं भौतिक विज्ञान में लाइट या प्रकाश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगभग हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो बैंक के हो, एसएससी के हो, रेलवे के हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या किसी भी फील्ड में हैं। ये क्वेश्चन हमेशा लाइट्स, ध्वनि या उष्मा से जुड़े हुए क्वेश्चन आते ही हैं। तो आज हम देखेंगे, सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। ऑप्शन इस प्रकार से है, ए परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिटॉन या फिर फोटॉन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोटॉन। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि फोटॉन सिद्धांत क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव या क्वांटम सिद्धांत या फिर फोटॉन सिद्धांत, यह सिद्धांत आइंस्टाइन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसके अनुसार प्रकाश एक छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में विचरण करती है जिसे हम फोटॉन कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम सिद्धांत या प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1908 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग है। ऑप्शन इस प्रकार के हैं, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपयुक्त मेथड दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन इस प्रकार से है, न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, प्लैंक के द्वारा या फिर फराडे के द्वारा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइगेंस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन इस प्रकार से है, व्यक्तिकरण, विवर्तन, ध्रुवण या अपवर्तन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। ऑप्शन इस प्रकार से है, स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल या फिर यंग। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटेन के महान वैज्ञानिक जेम्स कार्ल मैक्सवेल ने 1865 में किया था, जिसके अनुसार प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यक्तिकरण एवं प्रकाश का ध्रुवण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ग्रिमाल्डी, यंग, मैक्सवेल या फोकॉल्ट। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन इस प्रकार से है, क्रॉम्पटन, मैक्सवेल, आइंस्टाइन या फिर न्यूटन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टाइन। दोस्तों, यहाँ बात याद ध्यान देने वाली है कि आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1908 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ऑप्शन इस प्रकार से है, विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन या अपवर्तन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवण, जो कि ये दोनों में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी अवरोध की कोर या किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। ऑप्शन इस प्रकार से है, विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन या फिर व्यक्तिकरण। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। ऑप्शन इस प्रकार से है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, व्यक्तिकरण का सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। ऑप्शन इस प्रकार से है, तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। ऑप्शन इस प्रकार से है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश एक तरंग है। ऑप्शन इस प्रकार से है, तीक्ष्ण तरंग, प्रगामी तरंग, अनुप्रस्थ तरंग या फिर अनुदैर्ध्य तरंग। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। ऑप्शन इस प्रकार से है, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमर ने या माइकल्स ने। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोमर ने। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है। ऑप्शन इस प्रकार से है, हीरे में, पानी में, निर्वात में या फिर हाइड्रोजन में।
तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, परंतु ध्वनि का जो वेग है वो निर्वात में नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि के वेग को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, परंतु प्रकाश के वेग को गमन करने के लिए माध्यम की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों ये था भौतिक विज्ञान में प्रकाश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पार्ट टू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रकाश यानी कि लाइट पार्ट टू के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जितना हो सके आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब के द्वारा ही हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी आपको मिलता रहे। इसके लिए जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश भाग दो के साथ या चैप्टर टू के साथ।